जितने भी आपके बिजनेस हैं, तो ये जब आप सिर्फ जब ये आपके मुल्क में आप इसको स्टार्ट करते हो या उसको अच्छे तौर पे रन करते हो, तो सिर्फ इसको आपको आपको या आपको फैमिली को नहीं उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हो, उसके बाद आपके मुल्क खुशहाल होता है। ये सिर्फ सिर्फ एक इंसान ही नहीं उसको फ़ायदा उठा रहा होता है, एक फैमिली नहीं बल्कि पूरी कम्यूनिटी उठा रही होती है और पूरा पाकिस्तान उठा रहा होता है। इस एग्जीबिशन की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, कंपनी जो डिस्प्ले कर रही है, वो सिर्फ हाउस होल्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ही नहीं है बल्कि हीटिंग, एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक स्टॉल, एक बहुत खूबसूरत स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं। और एंड लुक हु इज़ देयर, द सुपरस्टार मिस्टर यूनुस खान भी यहाँ पर मौजूद है, बल्कि हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम जी, वेलकम। आप हमारे MGT के स्टॉल पे आए हैं और जाज भी यहाँ मौजूद है। जाज भी हमें एक्सप्लेन करें, क्योंकि जाज भी मास्टर है एक्सप्लेन करने में। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, आप यहाँ सिर्फ देखने आए या ये MGT आपका स्टॉल? बिल्कुल, ये हमारा अपना स्टॉल है। मैं जाज भाई, हम इसके पार्टनर्स हैं, हम यहाँ पे प्रमोशन के लिए आए हुए हैं। और बजाज भाई, आई होप कि हम अच्छे शेप में हैं, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए, बहुत अच्छा एक्सपोर है लाहौर में, यहाँ पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है HVACR सोसाइटी का, और साथ में खास तौर पे जो लाहौर चैप्टर है उसका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वाह वाह। तो आप पार्टनर हैं, मतलब चीज़ों को समझते भी हैं कि ये क्या प्रोडक्ट्स हैं, या ये एजाज भाई आपको समझाते हैं? नहीं, बिल्कुल समझते हैं। ये क्या कहते हैं भाई, ये एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान HVACR सोसाइटी का पार्ट हैं। ही इज आल्सो द फंड रेजर फॉर द सोसाइटी फॉर लास्ट मेनी इयर्स। तो ये हम अपने व्यूअर्स को पहली दफा बता रहे हैं कि ये लेजेंडरी क्रिकेटर ही नहीं है बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और ये हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इनकी अपनी कंपनी, तो ये कंपनी अभी लॉन्च हो रही है, इट्स कॉल्ड मिठास बाय यूनुस खान। इट्स गोना बी ऑनलाइन सेंटीमेंट्स गिफ्ट्स, so wo it's gonna be online by tomorrow. wow, ye kya kya cheeze aap bhi nikal rahe hain, honi chahiye. dekhiye, aapke paas opportunities jo maujood hoti hain aur aapke paas experience hota hai, do ke theek hai, hamara sports mein cricket mein zyada experience hai, lekin ye ki travel hota hai, logon se milte hain, apna experience share karte hain, unka experience lete hain, to ye achhi baat hai ki aapko apna experience share karna chahiye. aur dusri baat hai ki dekhiye, jitne bhi aapke business hain, to ye jab aap sirf jab ye aapke mulk mein aap usko start karte ho ya usko achhe taur pe रन करते हो, तो सिर्फ इसको आपको आपको या आपको फैमिली को नहीं उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हो, उसके बाद आपके मुल्क खुशहाल होता है। ये सिर्फ सिर्फ एक इंसान ही नहीं उसको फ़ायदा उठा रहा होता है, एक फैमिली नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी उठा रही होती है और पूरा पाकिस्तान उठा रहा होता है। मेरे ख्याल से अपने 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 कैपेसिटी में रह के जहाँ जहाँ जिसको मौका मिले तो वो ज़रूर बहुत अच्छी बात की। बिलाशुबह हम भी ये सपोर्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर हों, ज़्यादा बिजनेस बढ़े। अच्छा, सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में बताइए, क्या आप लोग ऑफर करें, इतनी बड़ी बड़ी मशीन क्या हैं? सेंट्रीफ्यूज चिलर है, उसका अच्छा। मॉडल एक रखा हुआ, और ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि मेजॉरिटी सेंट्रीफ्यूज चिलर यूज होते हैं। अच्छा, तो ये सेंट्रीफ्यूज चिलर का मॉडल है और जनरली यही ज़्यादा यूज़ होता है। हम माइडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के अंदर, और माइडिया जो है वो सब हमने बड़ी जगहों पे इंस्टॉल किया हुआ है। इट्स वन ऑफ, ये चाइना का रोज राइज है माइडिया जो है। ये आप समझ लें कि जो आपकी सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग होती है, ये उसके लिए, ये उसके लिए, और ये बड़ी जगहों पर, ये बड़ी जगह मॉल्स में यूज़ होते हैं, कमर्शियल टावर्स में यूज़ होते हैं, ये इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ होते हैं। दैट्स फॉर दिस गाइस, इसमें एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड दोनों आते हैं।